नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सोनम के साथ आप सभी बच्चों का हिमोथान एजुकेशन फिजिकल लिटरेसी स्पोर्ट्स इनिशिएटिव ऑनलाइन प्रोग्राम में स्वागत है। आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए अपर बॉडी वर्कआउट लेकर के आई हूँ। बच्चों, वार्म अप क्यों जरूरी होता है? किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म करते हैं, यानी कि हमारी जो मसल्स हैं उनको ओपन करने के लिए, उनको गर्म करने के लिए वार्म अप किया जाता है, जिससे कि जब हम कोई एक्सरसाइज करें तो उस एक्सरसाइज को करते समय हम चोटिल होने से बचें, इसीलिए वार्म अप जरूरी है। हेडबैंड एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़े से पैर करने हैं एंड देन ये साइड करना है, जितना आप कर सकते हैं, एज मच एज यू कैन, ठीक है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ ऑब्लिक्यू एंड मसल्स, आपकी स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ेगी। ये एक्सरसाइज आपको 60 सेकंड तक करनी। सर्कल्स आपको कैसे करना है, इस तरीके से आपकी रहेगी होल बॉडी स्ट्रेट एंड हाथ आपके इस तरीके से रहेंगे एंड देन आपको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी होल बॉडी हार्ट रेट इंक्रीज होगा, साथ ही आपकी होल बॉडी वार्म अप रहेगी। यह एक्सरसाइज भी आपको करने के लिए आपको क्या करना है, हेड टू टो, टो टू हेड बिल्कुल प्लैंक पोजीशन होनी है इस तरीके से, ठीक है। एंड देन अब आपको स्टार्ट करना है 1, 2, 3, 4। यह एक्सरसाइज करने से आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ेगी, साथ ही आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट राउंड में आपने जितने पुशअप्स करे हैं ट्राई करें नेक्स्ट राउंड में टारगेट सेट करें कि ज्यादा से ज्यादा पुशअप्स करें। रीच आउट इन प्लैंक पोजीशन, उसके लिए आपको क्या इक्विपमेंट चाहिए, आपको दो सेम बॉटल चाहिए, 1 लीटर या हाफ लीटर की आप वाटर बॉटल ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इन दो बोतलों को थोड़ी भूमि पर रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्लैंक पोजीशन में आना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी प्लैंक पोजीशन होगी, हेड टू टो, टो टू हेड बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। देन अब आपको रीच करते हुए जाना है बॉटल को, रीच करा आपने, देन आउट, देन रीच, देन आउट, देन रीच, देन आउट, देन रीच, देन आउट, देन रीच, देन आउट। ये एक्सरसाइज करनी है आपको और टारगेट सेट करना है कि फर्स्ट राउंड में आपने जितनी बार करी है नेक्स्ट राउंड के लिए आप ज्यादा से ज्यादा करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो शोल्डर की मसल्स की स्ट्रेंथिंग पावर इंक्रीज होगी, साथ ही आपकी बैक की मसल्स की स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ेगी। सुपरमैन अप डाउन, सुपरमैन अप डाउन के लिए आपको क्या करना है, आप इस तरीके से लेट जाएंगे, लेग्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, हाथ आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे एंड देन जब पहले आपके हाथ भी अप होंगे तो आपके लेग भी अप होंगे और आपको होल्ड करना है इस पोजीशन पर, ठीक है। एंड देन डाउन, देन अप, जितना आप अप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कोर की मसल्स की स्ट्रेंथिंग पावर एंड आपकी बैक की मसल्स की स्ट्रेंथिंग पावर इंक्रीज होगी और यह एक्टिविटी आपने फर्स्ट राउंड में जितनी बार करी है ट्राई करना है कि नेक्स्ट राउंड में ज्यादा से ज्यादा। प्लैंक आर्म रोटेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सेम आपका हेड टू टो, टो टू हेड आपका बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए बॉडी देन, ठीक है। एंड देन आपको रोटेट करने हैं आर्म्स इस तरीके से, होल्ड करना है कुछ सेकंड तक। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी शोल्डर्स की मसल्स की स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ेगी, साथ ही आपकी चेस्ट की मसल्स की स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ेगी। यह एक्टिविटी भी आपने फर्स्ट राउंड में जितनी बार की है कोशिश करनी है, टारगेट सेट करना है कि नेक्स्ट राउंड में ज्यादा से ज्यादा करें। आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए एक चैलेंज एक्टिविटी लेकर के आई हूँ। चैलेंज एक्टिविटी का नाम है बॉपिट चैलेंज। बॉपिट चैलेंज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप चोक की हेल्प से या कोई भी आप मार्किंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे पहले आपको सर्कल करना है, एक छोटा सर्कल इस तरीके से आप सर्कल करेंगे जैसे मैंने किया है। अब आपको क्या करना है, एक बॉल लेनी है आपको, जिस तरीके से मैंने आपको बताई थी बॉल, कि जिनके पास बॉल है वो बॉल का यूज कर सकते हैं, जिनके पास बॉल नहीं है वो कैसे सॉक्स की बॉल बना सकते हैं। इस सर्कल के अंदर आपको खड़ा होना है और बॉल को आपको जंप करना है इस तरीके से,
मेक श्योर कि आपका एक मिनट में आप कितनी बार इस सर्कल के अंदर रहते हुए बॉल को जंप कर सकते हैं इस तरीके से। चैलेंज है आपके लिए कि एक मिनट में आप, और टारगेट है आपके लिए कि ये बॉल आपकी नीचे फ्लैट सरफेस पे नहीं गिरनी चाहिए और आप सर्कल के अंदर ही रहने चाहिए। तो ये चैलेंज है आपके लिए, तो ये आपके लिए चैलेंज है जो कि आपको घर पे ट्राई करना है। यह गेम आप अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ, अपने सिबलिंग यानी भाई बहनों के साथ भी प्ले कर सकते हैं, और हमारे साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। बच्चों, कूल डाउन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? कूल डाउन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी का जो हार्ट रेट होता है उसका इंक्रीज हुई भी रहती है, जो हमारी हार्ट रेट का लेवल होता है वो इंक्रीज हो रहता है। तो उसी हार्ट रेट को नॉर्मल करने के लिए कूल डाउन करना बहुत जरूरी होता है, और कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद हम अगर कूल डाउन नहीं करते हैं तो हमारी मसल्स पेन करती हैं। क्रॉस बॉडी शोल्डर स्ट्रेच कैसे करना है आपको? बॉडी बिल्कुल आपकी स्ट्रेट रहेगी एंड ये मुट्ठी इस तरीके से रहेगी, एंड देन आपको स्ट्रेच करना है इस तरीके से, ये सेम सेकंड हैंड स्ट्रेट करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी शोल्डर की स्ट्रेचिंग में आपको स्ट्रेच महसूस होगा और आपकी बैक की मसल्स में आपको स्ट्रेच महसूस होगा। तो आपको 30 सेकंड तक करना है ईच हैंड। चाइल्ड पोज करने के लिए आपको क्या करना है, आप इस तरीके से बैठ जाएंगे, ठीक है, पैर आपके नी आपके बिल्कुल इस तरीके से बैंड होनी चाहिए, एंड देन बॉडी आपके अपर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, देन हैंड्स अप होने चाहिए, देन स्लोली स्लोली आपको डाउन करना है उस तरीके से। ट्राई करना है कि आपकी नोज सरफेस पे टच होनी चाहिए। 30 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपको स्ट्रेच फील होगा आपकी बैक पे, आपकी कोर पे, और आपकी शोल्डर की मसल्स पे आपको स्ट्रेच फील होगा। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपने आप को चुनौतीपूर्ण बनाए रखें। जो एक्सरसाइज मैं वीडियो में करके आपको दिखा रही हूँ वह घर पर जितनी बार संभव हो ट्राई करें, और इस कोरोना काल से बचने के लिए और अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यह एक्सरसाइज रोजाना करते रहें, घर पे रहें और स्वस्थ रहें।